यूपी के सीतापुर ग्राम रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है, जिसमें जिले भर के सेवकों ने मुख्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद लालबाग चौराहे का घेराव कर डीएम कार्यालय पहुंचे, नारेबाजी की व ज्ञापन सौंपा। जिसमें पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 14वां वित्त आयोग योजना अंतर्गत प्रस्तावित पंचायत सहायकों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाए तथा इस पद हेतु निर्धारित कार्य में रोजगार सेवकों से योगदान लिया जाए आदि अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वह 12 तारीख को लक्ष्मण मेला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। नरेगा में भ्रष्टाचार गायब हो गया है, इसलिए उनको आनंद नहीं आ रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। 14वां वित्त कैसा है? वित्त है, ऐसा नहीं है कि वो विकास भवन में बैठ गया तो भगवान हो गया। वो भी एक इंसान है, अगर वो हमसे लड़ना जानता है तो हम उससे लड़ना जानते हैं। हम कहीं से संघर्ष में पीछे नहीं है। हम लोग 2006 में मनरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत मित्र के रूप में भर्ती हुए थे। 11 वर्षों से हम विकास में जितनी भी योजनाएं विकास से संबंधित आती हैं उनमें पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बदले में हमें मात्र 6000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है, उससे हमारे परिवारों का पालन पोषण नहीं हो पाता है। विगत विधानसभा के चुनाव में योगी जी की पार्टी ने लिखित में हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आने पर हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और उसके हम लोगों के विरोध में पंचायत सहायक की भर्ती को निकाल दिया है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। सरकार से यह है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। उसके बाद दूसरी मांग यह है कि पंचायत सहायक की भर्ती को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो 12 तारीख को लक्ष्मण मेला मैदान में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और जहां तक हो सकेगा सरकार से ईंट बजाने का काम हम रोजगार सेवक करेंगे। ये हमारा जुलूस का जो कार्यक्रम था, इसका नाम दिया गया था प्रदेश स्तर से हमारे संगठन से जन जागरूकता रैली एवं धरना प्रदर्शन। तो हम लोगों ने सुबह 10 बजे सरोजनी वाटिका में हम लोग इकट्ठे हुए, वहां से चित्रा सिनेमा होते हुए कोतवाली पहुंचे, वहां से लालबाग चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच करके डीएम साहब को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को सौंपे।